घर और किचन का काम जितना देखने में इजी लगता है उतना ही करना उन्हें मुश्किल होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम उलझ कर रह जाते हैं और दोस्तों मैकेनिक बुलाने की जरूरत पड़ती है, खूब सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो आज मैं एक ऐसी धमाकेदार वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए जिनसे आप अपनी ऐसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार ना वॉशिंग मशीन चलते चलते बंद हो जाती है। ये देखिए, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। मैंने एक बार तो कपड़े धो लिए इसमें, लेकिन दूसरी बार जैसे ही कपड़े डाले ना तो ये चलते चलते बंद हो गई। और इसका स्विच भी ऑन है और आवाज तो कर रही है लेकिन घूम नहीं रही है। इसका जो रूटर होता है ना वो घूम नहीं रहा है। अब इसे कैसे ठीक करना, चलो मैं बताती हूँ आपको। आपको वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। हमको क्या करना, पहले स्विच को बंद कर देना है इसका, और इसका जो सर्फ वाला पानी था, कपड़े थे, वो सारे निकाल कर अच्छे से इसे साफ कर लिया है। अब इसके अंदर वाली साइड होता है कैप, रूटर के ऊपर लगा हुआ, उसे निकाल कर अलग करना है। इसके अंदर होता है एक पेच, आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर गंदगी जमी हुई है बहुत सारी। इसको पहले खोल लेना है हमें, और जो रूटर है ना जो घूमता है उसे हमें बाहर निकाल देना है। पेच खोलकर पेच को थोड़ा ध्यान से रखना है। इसमें छोटे छोटे ना छल्ले होते हैं कई, और इसमें वार्सल भी होता है तो वो खोल नहीं जाना चाहिए। निकालने के बाद में कई बार इसके ऊपर कचरा फंस जाता है, या फिर इसके अंदर ना कई बार कॉइन्स भी फंस जाते हैं। गलती से कपड़े हम धोते हैं ना तो चेक करना भूल जाते हैं जेब, जिसकी वजह से ये मशीन हमारी घूमना बंद कर देती है। तो पहले तो इसके ऊपर जो गंदगी लगी हुई है उसे हम अच्छे से साफ कर लेंगे। मैं हर 3 महीने में ना वॉशिंग मशीन को रिपेयर कर ही लेती हूँ। इसको खोल कर ना इसके अंदर जो कचरा होता है उसे साफ कर देती हूँ। कई बार ना कॉइन्स फंस जाते हैं, पिंस वगैरह फंस जाती हैं, बच्चे जेब में रख देते हैं, हम जेब चेक करना भूल जाते हैं, तो इसके अंदर ना कॉइन्स फंस जाते हैं, जिसकी वजह से रूटर है जो घूमना बंद कर देता है। ये देखिए, इसी तरह से हम जो रूटर है उसे हम साफ कर लेंगे अच्छे से, तो इसके ऊपर भी बहुत सारा कचरा फंस जाता है। और एक कारण इसका ये भी हो सकता है घूमने का, कि जो इसके अंदर वार्सल होता है ना वो घिस जाता है, तो उसे तो आप अलग से लाकर भी डाल सकते हैं अगर वार्सल घिस जाता है। या फिर इसके अंदर कई बार ना ग्रीस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन है ना वो आवाज करना शुरू कर देती है। तो जैसे हमने इसे निकाला था उसी तरह से इसे हमें डालना है। इसे डालने के बाद में इसके ऊपर हम थोड़ी सी ग्रीस लगा देंगे, ये जो हम ना पंखे में लगाते हैं वही वाली ग्रीस है। इस तरह से ग्रीस लगाने के बाद में जिस तरह से हमने रूटर को निकाला था उसी तरह से रूटर को फिट करना है, और इसके ऊपर हमें पेच को फिर दोबारा से कस देना है। दोस्तों छोटी छोटी कमी होती है जिसके लिए ना मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद भी इस तरह से आप ठीक कर सकते हो अपनी मशीन को। और ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, नॉर्मल मशीन है। इसका पेच जैसे हमने खोला था ना उसी तरह से टाइट से कस देना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो पेच है ना वो जरूर टाइट से कसना है। कई बार पेच लूज हो जाता है जिसकी वजह से भी ये रूटर घूमना बंद कर देता है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ मशीन को। ये देखिए, तो पहले बिल्कुल बंद थी, जाम थी और आवाज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही इसमें ग्रीस लगाई और इसे ऑन किया तो आवाज करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब जहां से हमने इसका कैप खोला था उसी की जगह इसे फिट कर देना है, इस तरह से। अब मैं आपको चला कर दिखाती हूँ, मशीन एकदम से प्रॉपर चलेगी और ना आवाज करेगी बिल्कुल भी। तो ऐसी छोटी मोटी जब प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो दोस्तों आप उन्हें मैकेनिक बुलाने की बजाय खुद करने की कोशिश कीजिए। एक तो हमारा पैसा भी बचता है और एक कोई नया काम सीखने को हमें मिलता है। तो आइडिया कैसा लगा जरूर बताइए। दोस्तों ये कमेंट मेरे पास बहुत बार आता है कि हमारी मशीन गुच्छा देना शुरू कर देती है बार बार। देखिए इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो इसका जो बॉबिन कवर है ना ये वाला, इसकी जो पत्ती होती है वो लूज हो जाती है। पहले इसे खोल कर देखते हैं, इसका छोटा सा पेच होता है और इसके खोलने के लिए ना आपको कोई पेचकस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो बॉबिन है उसी से आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके नीचे कचरा फंस जाता है, थोड़ा बहुत धागा फंस जाता है, मिट्टी फंस जाती है। छोटा सा पेच है, ये धागा निकला है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो पत्ती है ना उसके बीच में गैप आ जाता है। इसे साफ कर लेंगे और इसकी पत्ती को थोड़ा सा हमें
इस तरह से दबाना है ताकि इसकी जो शेप है ना वो गोलाई में आ जाए। अब जहां से हमने इसे निकाला है उसी जगह इसे दोबारा से फिट कर देना है। बहुत छोटा पेच होता है, उसी जगह इसे लगा देना है, टाइट से कस देंगे, क्योंकि यहां से जब धागा लूज चलेगा ना तो मशीन कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेगी धागे को। ज्यादा धागा निकलेगा तो मशीन गुच्छा जरूर देना शुरू कर देगी। और धागे को डालना किस तरह से, इधर की साइड से निकालना है और यहाँ होल होता है उधर की साइड से खींचना है। धागे को खींच कर देख लीजिए, धागा ना तो ज्यादा लूज होना चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो इस पेच को खोल कर टाइट करना है बस, और अंदर से इसे साफ कर लेना है, कोई कचरा फंसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण इधर की साइड से हो सकता है, हमारा धागा इधर से निकल कर आता है तो ये वाला पेच है जो लूज हो जाता है, कई बार इसके नीचे भी कोई ना कोई धागा फंस जाता है, गंदगी फंस जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर गैप आ जाता है और धागा बहुत ईजली से मतलब कि लूज निकलना शुरू हो जाता है। और जब ज्यादा धागा निकलेगा तो मशीन फिर दोबारा से उसे कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेगी। इस तरह से धागे को खींच कर देख लीजिए, धागा ना ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा लूज होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ, सिलाई एकदम से प्रॉपर आएगी। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं को आप खुद भी ठीक कर सकते हैं, आपका खूब सारा पैसा भी बच जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।